पनीर ऑर्डर किया था। ऊपर से नीचे आए थे ना, अब हमें नीचे से ऊपर जाना है। ये देखो, ये पूरी की पूरी ढलान बनी हुई है। जो लास्ट मैच हो रहा है इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का हुआ था, इतना बड़ा कि फ्रेम में आएगा भी नहीं। मैं हाँ मारो जम मार के जो जा रहे हो ना, मगरमच्छ खाएंगे पाकिस्तान के प्लेयर को कैच छूटते ही हम गिर दें। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के 7:30 बज रहे हैं, हालात तो देख ही रहे होंगे, इतना थके हुए थे, नींद बहुत कड़ी आई। ये कह रहा मैं सपने में बोला, ये मेरे से बात कर रहा था, ये बता रहा, और मैं सो गया था तो एकदम से उठ के गया था, चंदेला चूती आई है। और मैं क्या कैसे हो गया, ये कह रहा है इसका लॉजिक बता, ऐसे क्या देख रहा था। अरे क्या भी उधर करता हूँ, ये उठ गया, मैं दिखाऊंगा बल्लू भाई को, देख जगीरा उन्हें घूम रहे सुबह सुबह, हमें तो ठंड लगती ही नहीं है। देखो मस्त काई दिखाऊंगा तुम्हें जमी हुई, ये कुछ यहाँ का व्यू है। ये रील बना रहे भाई, देखो एक ये हमारा रूम है, एक ये रूम में अभी भी सो रहे हैं, यहाँ भी कोई सो रहा है, और एक रूम हमारा ये भी है, ये सारे गेस्ट हाउस हैं। इनका रूम ज्यादा से अरे कहाँ बारिश हो रही है, तो रात ही लग रहा बारिश हो रही है, होगा ये बह रही है और ऐसा लग रहा बारिश हो रही है। हो गया हो ज्यादा अच्छा। एक बार तो मुझे उनका तुमने देखा था व्यू, और एक हमारा देखो सीढ़ियाँ हमारे व्यू में, यहाँ पे कुछ बच्चे झूला झूला खेल रहे हैं ना, वो जो हॉरर मूवी होती थी रात टाइप की, वैसा वाला फील आ रहा बाहर देख के। ये रात में जो खाना वाना खाया, देखो कितना खाना अभी भी बचा हुआ है। हमने पनीर ऑर्डर किया था, दाल ऑर्डर करी थी, और छोले ऑर्डर करे थे जो है नहीं, और इन्होंने अंडे खाए थे कल। ये हालत ऐसी है, हम 7 लोग थे, 2 बंदे उस रूम में रुके, 3 बंदे यहाँ रुके, यहाँ 2 यहाँ और एक यहाँ पे, एक इसके साथ अटैच रूम हमारा ही है, एक ही रूम में 2 बंदे हैं। यहाँ भी मैं ये देखूँगा, यहाँ का मिरर ज़्यादा सही दिया यार, यार इनका व्यू ज्यादा सही है, हमारा ना जी इतना चूते व्यू है। हम लास्ट वाला, मुझे क्या पता था कि भगवान ने कुछ और सोच रहे और इतना हमें तो सुबह उठ के कुछ नहीं पता था, मैं तो रात में तो पैर धो के गांडू इतना मस्त गर्म पानी आ रहा था नहा लिया। ये मैंने पहनी है व्हाइट शर्ट, ब्लू एक डेनिम और व्हाइट कलर के जूते। कुछ तो नया शूट करते हैं, एक नया दिन आ गया, नया वीडियो भी तो हमें चाहिए। ठीक है सर, अभी बात करते हैं थोड़ी देर में। जब अपने सर से या मैनेजर से बात कर ली हो तो इंसान को ना इतना बेस्ट एक्टर हो जाता है ना, फीवर हो रहा है सर। एक बार मैंने ना प्रिसीजन बना रखा है, मैं भेज दिया डेट चेंज करके, छूट की क्या हद हो सकती है वो इसने प्रॉपर ने ये बनवा रखा है, क्या देख लो फीवर हो रहा है, और डॉक्टर ने ना ये दवाइयां लिख के दी है, ये ऐसे झूठ बोल भाई। मैनेजर जितने भी है ना, देख लो भाई तुम्हारी एम्प्लॉय क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे है। तो दोस्तों तैयारी कर रहे हैं रूम को छोड़ने की अब, और पूरे दिन थोड़े यहाँ पर रहेंगे, सुबह के बज रहे हैं 10, यहाँ पे फोटोशूट वगैरह कर रहे हैं, मेरा तो हो गया देख लेना, ये भी तैयार है, ये भी तैयार है, छोटे छोटे बच्चे टहल रहे आप देख ले। ये चलो भाई रूम छोड़ने का वक्त आ गया, चलो गाड़ी मिलना साफ कर दी, सीधा कर दियो, क्यों लौंडा नहीं हो, क्यों व्हाइट टी शर्ट वाला, या की गाड़ी है ना बात करो। भरोसा बीडी सबसे ज्यादा भरोसे में, आपको राइट लेनी पड़ेगी, भोसड़ी को उतरना पड़ेगा, बैक जैसे रात को हम ऊपर से नीचे आए थे ना, अब हमें नीचे से ऊपर जाना है। ये देखो, ये पूरी की पूरी ढलान बनी हुई है, साइड से मोड़ के ले आओ और सीधा चला जाओ।
अब रिस्क लेना पानी खा रखे देखो साफ बात है बड़े भाई ने बोले वो खेचता है वो योगी को वो चढ़ा दियो बड़े भाई बोल रहे हैं कि ना लाला इसने मेरे साथ मजाक तो ना करा जान प्यारी है तो कर इसने भी मैं चढ़ रही आगे ये तो ग्राउंड है कोई मैच वैच है ही नहीं अरे तो पूछ लेंगे टिकटें तो लेंगे 10-20-50 रुपए की वैसे यहाँ तक पहुँचना इतना मुश्किल भी नहीं है 2 किलोमीटर की दूरी पे रेलवे स्टेशन और 1 किलोमीटर की दूरी पे बस स्टैंड है और कैब तो आप कभी भी ले सकते हैं अगर आपका बजट हाई है तो इंडिया किस लेवल पे जुगाड़ में मैं आपको दिखा दूँ इधर की तरफ डंडी है चंद्र थोड़ा सा ना ये दूसरी डंडी अबे हो जा अबे हो जा एरिया है ये टूट गया बड़े भाई ने तोड़ दिया मैंने कब तोड़ा ब्लॉग में डालेगा ना अच्छा लगना चाहिए ना मैंने धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम के जस्ट बाहर है ये गेट नंबर 1 से 10 तक की ये बोर्ड है यहाँ से भी एंट्री होती है जब मैच होता है और आगे से भी होता है मेन तो इसका आगे की तरफ है अभी गाड़ी रुकी यहाँ पे फोटोशूट कराने के लिए फोटोशूट का हमारे बकचोदिया ज्यादा हो रही है भाई मेरी तरह जो इंसान है ना जिसको चक्कर आते हो मतलब सफर में तो उसके लिए तो सोना बहुत अच्छी चीज है ये धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम है यहाँ से पता 28 तारीख को आए होते हैं यहाँ पे मैच देख रहे होते हैं बनवा दिया इन्होंने और सोडा वाले सोडा जूस बनाइए तो सोडा बनवा दिया ना मैं पीलूं तेरे सोडा का बल्लू को भूख लगी बल्लू उठा के लिया मोमोज नगीना आपके सामने है जो लास्ट मैच होता था इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का हुआ था इनको बोला था भाई देखने चलते हैं बट नहीं भाई हमारे कौन सुनता है और टिकट मिलती भी नहीं ये थोड़ा बाहर का लुक है इतना बड़ा कि फ्रेम में आएगा भी नहीं गेट नंबर 6 से हमारी एंट्री होनी है ये मैप है यहाँ का ग्राउंड का इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें एम्बुलेंस हो फजी किट हो सारी चीज़ें एक फरीदाबाद में स्टेडियम है जहाँ पे लास्ट हुआ था इंडिया इंग्लैंड का मैच 2005 या 2006 में 2006 एक मैं उस स्टेडियम में गया हूँ उसके बाद गया हूँ तू देखने गया ना अरे क्या बात कर रहा ये वो पिच भाई यहाँ से ये नज़ारा है धर्मशाला का ये सारे आगे की तरफ गए हैं क्योंकि वहाँ पे ठंडक है यहाँ पे धूप है अगली बार ये टिकट बुक करूंगा मेरे को पता होगा मुझे कहाँ की टिकट लेनी है मुझे लग रहा है हमने गड्ढा कर दिया अरे फैंस होते हैं ना जंप मारा सीधा स्टेडियम में यहाँ मारो जंप यहाँ पे पानी और भर देंगे मगरमच्छ छोड़ देंगे कि तुम जंप मार के जो जा रहे हो ना मगरमच्छ खाएंगे पाकिस्तान के प्लेयर को कैच छूटते ही हम गिर दे वैम्पायर अभी भी घूम रहा भाई वैम्पायर घूम रहा भाई उसका काम ही एक है बाबर ऐसे लगाते काम पे बाबर लगा हुआ काम में मिट्टी खोदने में ना ये तो वो है हसन अली अच्छा तो जो ड्रेसिंग रूम है ये वही है ये देख रहे हो ना ये सुमित 30 रुपए अच्छा लग रहा भाई ऐसे रहे 30 रुपए मुस्कुरा दे बस थोड़ा सा 30 रुपए एंट्री दे दे तो कैसे मुंह खोला मुस्कुराने के नाम पर मुंह खोल मगरमच्छ की जॉब आपकी मैं ये कह रहा था कि अगर 30 रुपए की एंट्री दे रहे हैं तो ये लोग 300 रुपए दागने के लेंगे भाई कैसा लग रहा है आपको ये स्टेडियम देख के एयरपोर्ट से मैं 7 लोगों के लिए तो 210 रुपए हो गया कैसा लग रहा है भाई साहब आपको यहाँ के इन्हें ब्याज लगा के वापस करना चाहिए हाँ वहाँ पे चक्का मारा तूने 30 रुपए में अगर उसकी सवारी करवा दें तो पैसा वसूल है वो ऐसे घुमाएगा बैठा गया ना ऐसे कहेगा ये की दो चक्कर मार बल्लू बल्लू और अबे किन्हें गुस्से से देख रहा बल्लू बल्लू साफ चला दे जैकेट में बैठा सामने आ रही तुम्हें वो परेशान हो किसने भरवा रहा सबसे जैकेट उतार ले साइड में रख दे हम थोड़ी मना कर रहे हैं विजिट करने का टाइम हो चुका है अब यहाँ से कहाँ चल रहे हैं भाई मैक्लोडगंज
अभी तो लंबा सफर है, होगा वो 10 20 25 किलोमीटर दूर, तो 1100 रुपए भी दिए और भिंड से फ्रेश भी ना हो क्या है इसकी गंदी इसकी ना हाथ में क्यों चारा लग जा रहा इसकी तमन्ना दे तेरे मुंह में मूत दूंगा। लॉकडाउन में ही खत्म करना पड़ेगा, लेकिन हमने आगे चल के ट्रैकिंग की है, कुत्ता में काटते काटते रह गया था और दो बंदे तो हमारे ऑलमोस्ट खोए गए थे। ये सब जानने के लिए अगला ब्लॉग देखना होगा ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मेरी सांस भी फूल गई बोलते बोलते।